नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। योग और संयोग से भरा हुआ है इस बार का गणेश महोत्सव, यानी 31 तारीख को शुरू होने वाला गणेश महोत्सव 9 सितंबर तक चलेगा। अनंत चतुर्दशी के साथ इसका समापन होगा। बहुत शुभ है, बहुत अच्छे योग, बहुत अच्छे संयोग और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का पूरा विधि विधान हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। ये महोत्सव शुक्ल योग के साथ आया है, यानी जो योग बन रहा है वो शुभ योग भी बन रहा है और शुक्ल योग दोनों योग के संयोग में है ये गणेश महोत्सव। चित्रा नक्षत्र बुधवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और बुधवार का दिन भगवान गणेश का ही तो दिन होता है। कहते हैं भगवान गणेश की पूजा करने के लिए अगर आप बुधवार का दिन चुनते हैं तो गणपति जल्दी मान जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के कारक गणेश जी, और गणेश जी को छोटे बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। हमेशा जब कहते हैं ना लड्डुओं का भोग लगा तो छोटे बच्चों में जाकर के लड्डू ज़रूर बांट दीजिए। गणेश जी को बहुत प्रिय लगते हैं छोटे बच्चे। गणेश जी की बुद्धि के विदाता, ज्ञान के विदाता, आपको सम्मान दिलाने के विदाता, आपको धनवान बनाने के विदाता हैं, आपके प्रथम पूजनीय देवता हैं। और ये महोत्सव 10 दिन तक लगातार चलेगा। 10 दिन तक आपने अपने घर में पूरा विधि विधान करना है, कैसे पूजाएं करनी है, कैसे स्थापना करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरी सारी वीडियोस एक के बाद एक आप तक ज़रूर पहुंचेगी, तो आपने सारी वीडियोस ज़रूर देखनी है। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की धूम महाराष्ट्र में तो बहुत ज़ोरों शोरों से होती है, लेकिन अब तो पूरे देश भर में ये महोत्सव जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है और चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी पे इसका समापन होता है। पंडालों में गणेश जी, घरों में गणेश जी, आपके दिलों में गणेश जी, आपकी भक्ति में गणेश जी, यानी पूरा वातावरण ही भक्तिमय होता है। और कहते हैं गणेश जी की अगर आराधना कर लें तो सारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रथम पूजनीय देवता का दर्जा जो है इनके पास है। और ऐसे में इनके हर अंग से भी एक मैसेज हमें मिलता है। बड़े कान हैं, सुनने की शक्ति, बड़ा माथा है, अच्छे विचारों की शक्ति, यानी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें हर दिन संदेश देती हैं। क्या करना चाहिए, किस मुहूर्त में हमें इनकी पूजा विधि विधान करनी चाहिए और कितने दिन स्थापित करने चाहिए, यानी बहुत सारे दिमाग के अंदर आपके क्वेश्चंस चलते हैं। चतुर्थी तिथि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 30 अगस्त को दोपहर को 3:21 पर चतुर्थी तिथि का आगमन यानी आरंभ हो रहा है, और ये तिथि 31 अगस्त को दोपहर को 5:23 पर समापन होगी। जब गणेश जी के उत्सव की बात करते हैं तो सुबह की तिथि का सूर्योदय की तिथि का महत्व माना जाता है, तो ऐसे में गणेश चतुर्थी जो है वो 31 तारीख को मनाई जानी चाहिए और 31 तारीख को ही आपने प्रथम पूजनीय का महोत्सव का प्रथम दिन होगा। तो 31 से लेकर के 9 तारीख तक यानी 10 दिवसीय जो महोत्सव है वो 9 तारीख तक रहने वाला है। हर विधि विधान, हर पूजा आपने बहुत ही विधि विधान से करनी है और साथ के साथ आपने कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। जितने दिन भी आपने अपने घर में गणपति स्थापित कर रहे हैं, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़िएगा, सूर्योदय से पहले ही आप उठिएगा, देर तक नहीं सोना है, और रात्रि में जितनी देर तक आप बैठ करके उनके साथ जागरण कर सके बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। घर को खाली नहीं रखा जाता, घर में जयकारों की गूंज गूंजती रहनी चाहिए। घर में आपने पूजा भक्ति के सारे मंत्र, जाप, वचन, कीर्तन, ये सारे आपने अपने घर में ज़रूर चलाते रहना है। 2 समय की आरती आपने ज़रूर करनी है घर में, और 2 समय आपने भगवान जी के पास बैठ कर के अगर हो सके तो शिव चालीसा, शनि चालीसा और साथ के साथ गणेश चालीसा, इनका स्मरण ज़रूर कीजिएगा। ये तीनों के तीनों चालीसा पढ़ने से आपको बहुत ही फ़ायदा, लाभ मिलता है। और जब ये महोत्सव समाप्त होता है तो वहीं से फिर शुरू हो जाता है पितृ पक्ष, यानी पितरों के श्राद्ध, श्राद्ध तर्पण जिसे हम कहते हैं, वो उस समय शुरू हो जाता है।
अब हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। गणपति जी आपके पास आ रहे हैं, योग संयोग में आ रहे हैं। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो तिथि आपकी, जैसे हमने कहा कि दोपहर के तीन बजे के आसपास, 3:30 तक जो तिथि रहेगी, उस तिथि में आपने खास करके दोपहर के 5:23 तक ये तिथि रहेगी, तो आपने 5:23 से पहले ही, अगर प्रथम दिन आप अपने घर में गणेश जी को स्थापना कर रहे हैं तो आप 5:23 से पहले ही ये स्थापना कीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे योग संयोग बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त होंगे, उनका चुनाव भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय का, खासकर इससे पहले का चुनाव कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे हम कहते हैं अभिजीत मुहूर्त तो बहुत शुभ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप ये काम कर सकते हैं। और चतुर्थी तिथि जब तक समापन नहीं होती है तब तक भी आप ये सारे पूजा विधि विधान जो है वो कर सकते हैं, तो किसी भी समय आप ये कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक चतुर्थी तिथि रहे, अगर पहले दिन आप ये स्थापना कर रहे हैं तो चतुर्थी तिथि तक ही आपका ये समय होगा, वहाँ आप ये स्थापना कर सकते हैं। लड्डुओं का भोग लगाइए उस दिन, अपने घर में जयकारे लगाइए, अपने घर को शुद्ध कीजिए, अपने घर में वातावरण बहुत अच्छा बनाइए और साथ के साथ भक्ति में रम जाइए। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारा गणपति महोत्सव जो होता है वो सफलता की तरफ जाता है। सिर्फ ना कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में, आजकल तो पूरे विदेश में भी जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो सारे वहाँ पे भी गणपति महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, गणपति महोत्सव अगर आप मनाने जा रहे हैं तो इको फ्रेंडली गणपति ही आप कोशिश कीजिएगा कि अपने घरों में स्थापित कीजिए, ताकि किसी भी तरीके का वातावरण जो है वो आप खराब ना हो। और ख़ास करके जब हम उनका विसर्जन करने जाते हैं तो वहाँ मूर्तियाँ जो है टूटी खटी पटी ना मिले कहीं भी। तो ऐसे में आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये स्थापना करने जा रहे हैं, खास करके आपने उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गणपति महोत्सव के दौरान जितनी मूर्ति हैं अगर इको फ्रेंडली हैं तो ये बहुत ही शुभ, इससे हमारा भी भला, इससे हमारे देश का भी भला, और ख़ास करके हमारा इन्वायरमेंट भी जो है वो सुरक्षित रहता है, और हमारे दिल के अंदर कहीं भी ऐसा गिल्ट नहीं होता कि मूर्ति खराब हो रही है, मूर्ति टूटी हुई पड़ी है, कहीं खंडित है। तो इन चीज़ों का खास करके आपने ध्यान रखना है, पूरा विधि विधान का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें इन्हें चढ़ाई जाती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हमने वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी है। तो आप इस सारी वीडियोज़ जो हैं वो एक के बाद आप एक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इस बार का गणपति जो महोत्सव है बहुत ही विधि विधान से आप कर सकें, क्योंकि योग अच्छा है, संयोग भी अच्छा है, लेकिन लाभ भी आपने ज़्यादा अच्छे से लेना। उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, और ख़ास करके तामसिक चीज़ें बिल्कुल घर के अंदर नहीं कीजिएगा, दिन का शयन आप डाल दीजिए। कई बार होता है कि हम दिन में सोने लगते हैं, तो कहते हैं जब स्थापना घर के अंदर की जाए तो उसमें दिन का शयन नहीं करना चाहिए। और ये ना कि दिन का शयन आप नहीं कर रहे हैं तो आप बुज़ुर्गों को भी ना सोने दें, वो अगर स्वस्थ नहीं है, कोई बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है या बुज़ुर्ग हैं, तो उन्हें आप शयन करने दीजिए। वहाँ तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, वहाँ भगवान भी कहते हैं कि वहाँ अपने आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप सामर्थ्य है आपके अंदर, आपको लगता है आप जाग सकते हैं, तो आप ज़रूर जागिए, पूरा दिन भक्तिमय हो जाइए और पूरे अच्छे से रूटीन गणेश जी की फॉलो कीजिए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार भी कीजिए। हर सुबह 6 बजे राशिफल हम लेकर के आते हैं, और इस बार तो राशिफल गणेश महोत्सव के टाइम पर तो बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा है, जिसमें खास करके हर दिन एक उपाय भी दिया जाता है। लकी विजेता तो खैर वहाँ पे होते ही है। आप अपनी कुंडली की डिटेल इस दोपहर की वीडियोस में भी डाल सकते हैं, और ये सारी वीडियोस का जो आपका रिजल्ट होगा, यानी जो कुंडली देखी जाएगी, वो सुबह 6 बजे के राशिफल में ही देखी जाएगी। तो आप सुबह 6 बजे का राशिफल ज़रूर देखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को भी आप उस राशिफल के बारे में ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग चाहते हैं जो आप पर्सनली अपनी कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप जो अपॉइंटमेंट के नंबर हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसका अपना एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिकली आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।